आजकल इंसान को जीने की नहीं मरने की भी गारंटी चाहिए, मतलब जुर्म में भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। भाईंदर पुलिस स्टेशन में मेरी जब पोस्टिंग थी उस वक्त मेरे पास एक केस आया था। एक लड़की को पहले चाकू से मारा गया, उसके बाद में दुपट्टे से उसका गला दबाया गया। अगर पहले चाकू से मारा था तो गला दबाने की क्या जरूरत थी, क्या वजह थी? और एक चाल में रहने वाली सिंपल सी लड़की को क्यों मारा था? इस मर्डर में हमारे सामने 6 सस्पेक्ट थे और उनमें से कातिल को ढूंढना आसान नहीं था। थोड़ा पास आओ ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी और की बीवी के साथ खड़े हैं। कंधे पर हाथ रखिए। हाँ, ये हुई ना बात। आपकी बीमारी के बारे में पता चला मुझे, सुन के बहुत बुरा लगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसे? अभी क्या कर सकते हैं, जो नसीब में है सो है। भगवान ने मेरे को इतना ही टाइम दिया जीने के लिए, पर काहे नहीं, अब तो आदत हो गई है। चलिए मैं चेंज कर आती हूँ। सुनो, एक बात पूछनी थी, क्या इसके बाद हम कभी मिल सकते हैं क्या? नहीं। क्या हुआ, बहुत दर्द आ रहा तेरे को उसका? नहीं, ज्यादा पर्सनल हो रहा है। नहीं कुछ नहीं, वो मरने वाले ना इसलिए। अरे इसलिए तो ये गेम खेल रहे हैं हम। उधर से ध्यान हटा, इधर लगा, फोटो मिला के देखा। हाँ चल, 3 लाख निकाल अभी। 3 लाख? 2 लाख की बात हुई थी ना। अरे 3 लाख तो सिर्फ उसी को जा रहा है, कमाल है। अभी तो बड़ा पर्सनल हो रहा था, तू कहाँ गया तेरा दुख दर्द। चल अभी के लिए 3 लाख दे, पॉसिबल होता तो बाद में 1 लाख एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू, पर मुझे थोड़े और पैसे मिलेंगे, बहुत जरूरत है, प्लीज। अभी तो नहीं हो पाएगा, कुछ होता है बाद में तो बोलता हूँ, ठीक है? ये पंद्रह हजार? वाह, ये मेरे को आइडिया नहीं था, ये घर घर जाके कपड़े धोने का पाउडर बेचने में इतनी कमाई है। वाह, 13, 14, 15 कमाई पाउडर में नहीं है, बेचने वाले के तरीके में। तुम्हें पता है मैं कंपनी को सबसे ज्यादा सेल देती है, 15,000 तुम्हारे और 5,000 आई के लिए। आई, आई, अब आ गई। पर तुम इस वक्त घर पे कैसे? इस वक्त तो तुम्हें स्कूल होना चाहिए था ना। फीस नहीं भरा था तो टीचर ने हम दोनों को निकाल दिया। फीस? अरे आप, अरे तुम कल की कल जाके इनकी फीस भरो, वरना इनकी पढ़ाई में नुकसान होगा। फीस के पैसे? अरे अभी दिए ना 15,000। 15,000 दिए तो क्या एहसान किया क्या मेरे ऊपर? सुन रही है मेरे को, मैं निकम्मा हूँ, कुछ काम करता नहीं हूँ। देख अगर मेरी नौकरी होती ना, 1 रुपया नहीं लेता तेरे से। बात करती है। अरे मैं तो सिर्फ फीस भरने के लिए कह रही हूँ ना। फीस भरनी है तो इसमें से नहीं दूंगा मैं, जो पैसे आई को देने वाली थी ना उसमें से भर। और मेरे को एक बात बता, आई सिर्फ तेरे अकेले की जिम्मेदारी है क्या? सुजाता अभी तो कमाती है ना, उसको बोल वो देगी आई को पैसे। देखो तुम लोग चिंता नहीं करना, मैं कल फीस भर देगी। अभी मैं आई के जा रही है, ज्यादा शैतानी मत करना, ठीक है? जाती हूँ।
आई ये ले तेरे लिए। किती करतेस माझ्यासाठी? आई तू नसतीस तर काय झालं असतं माझं? कुछ नहीं, ले पानी पी। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, अजीबात नहीं। देख मैं तेरे को आखिरी बार बोल रही हूँ, एक हफ्ता तो क्या, एक महीना भी नहीं चलेगा। हाँ तो भाड़ में जा, मत बात कर, मतलब परत फोन नो करूँ सा तू। शपथ सुजाता, अरे तू और बिपिन एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन जब देखो बस कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। पर ताई इस बार गलती मेरी नहीं है, उसकी है। बोलते एक हफ्ते में शादी करनी है, मैंने बोला एक महीने में भी नहीं हो सकती, तो भड़क गया, गुस्सा हो गया। पर मुझे ना उसका गुस्सा पता है, दो मिनट में ठंडा हो जाएगा। अच्छा सुन, तू ना बिपिन से शादी से पहले ही बात कर ले, वरना ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो आई के कैंसर के इलाज के लिए पैसे ना दे और तुझे भी ना देने दे। देख मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ ना। अब देख तुझे तो पता है ना कि यतिन के पास कोई काम नहीं है, तो मेरे लिए ना ये दो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे ताई तू टेंशन मत ले, मैं विपिन से बात कर लूँगी, ठीक है? चाय पिएगी तू? हाँ चाय बनोते हाँ। हेलो अनिल भाव, भाव मुझे थोड़ा पैसा और चाहिए। वो क्या है ना, आपको तो पता है कि यतिन का अभी कहीं काम नहीं लगा है। अरे हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्लाइंट को पटाना कोई आसान खेल थोड़ी ना है। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी जा रहा हूँ एक से मिलने, देखता हूँ अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो एक दो दिन में थोड़ा पैसा आ जाएगा। ठीक है। अरे मस्त फोटो, बहुत बढ़िया। आप लोग चेंज कर लीजिए कपड़ा। आप तुम क्या कर रहे हैं? वही जो तुम करने आई हो, झूठ मूठ के सही, हम पति पत्नी तो हैं, जरा मैं भी तो देखूं मेरे पत्नी को। क्या अनिल भाव, अरे क्या हुआ अनिल भाई? ये सब करने का ना तो डील कैंसिल। अरे सुन तो, भड़क क्यों रहा है? नेहा मेरी बहन है और तू साला ठर के उस पे गंदी नजर डाल रहा है। मैं इधर तेरा फायदा करवाने के लिए आया और तू साला हलकतगिरी कर रहा है इधर। देख देख डील ऑन रखना है ना, तो ये सब चलेगा नहीं। ठीक है ये 10,000 रुपये। 10,000? इस बार इतने कम कैसे? अरे वो सेल कम हुई ना तो कमीशन तो कम ही मिलेगा, है ना? अच्छा आज खाने में फ्लावर की सब्जी। ये आई के पैसे। झूठ बोली मेरे से, पैसे छुपाई? ये आई के पैसे हैं, वापस रखो। बाहर में गई तेरी आई, मरती है तो मरने दे। तुम्हारी आई होती तब भी तुम यही बोलते कि मरने दे उसे। बेटा दवाइयां लाइए, खत्म हो गई है दवाइयां। अरे ताई तू कर जालीस? अभी बस थोड़ी देर पहले। अच्छा वो आ गई, ये देख मैं नया फोन लिया है, मस्त है ना? तुझे पता है इसमें ना 20 मेगापिक्सल कैमरा है, बहुत अच्छी फोटो आती है और सेल्फी तो कमाल की आती है। आई तू पढ़ वक्त है वक्त था चल। हाँ मम्मा चल।
परेशान है ना। चलो हम तीनों सेल्फी निकालते हैं। तूने भी पिंसाई के बारे में बात की? ताई मैं कर लूंगी, तू फोटो निकालेगा। चल कब करेगी? हाँ कब करेगी तू? इधर तू विपिन से बात नहीं कर रही, उधर ये तीन पैसे को लेकर किटकिट करता रहता है। अरे मैं ये सब अकेले कब तक करूँगा? कहाँ से लाऊँ इतना पैसा? कोई तो मेरी मजबूरी समझो। ताई तू मेरे लिए पैसा नहीं दी, आई के लिए पैसा दे दिया समझी? मैं पूरा घर संभालती हूँ, तू तो बस दो पैसे दे के बड़ी बन जाती है। मैं बाहर जाके पैसे कमाती हूँ, आई का देखभाल करती हूँ। देर देर बजे दो बजे आई को हॉस्पिटल मैं लेके जाती हूँ, उसका कुछ नहीं। हाँ अच्छा एहसान कर रही है? हाँ एहसान कर रही है तू? कहीं तेरी आई नहीं है? तुझे फोन खरीदने का टाइम है लेकिन विपिन से बात करने का टाइम नहीं है तेरे पास? अरे तो ताई कर रही हूँ ना मैं इतना। अरे तू क्या क्या चल रहा है? चिल्लाने से पहले दरवाजा तो बंद कर लेते। सब सुना मैंने, मैंने क्या पड़ोसियों ने भी सुना। अनि ताई शादी के बाद सुजाता अगर आई के बीमारी के लिए कुछ खर्चा करती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो कहता हूँ कि जरूरत पड़ेगी तो मैं भी मदद करूंगा, आखिर ये भी तो मेरी आई जैसी है। तुम्हें काजी करो ना। नेहा नेहा नेहा, अरे तू तो मरने वाली थी ना, एकदम मस्त ठीक ठाक दिख रही है। और ऐसे क्या देख रही है, पहचाना नहीं क्या? मी तुझा नवरा गणेश परब। नहीं 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 आई कुछ कमी है क्या? क्या ये चश्मा हटा जल्दी। अरे हटा इसको। आजा 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 अब करते हैं। हाँ आजा। लत से ज्यादा आई होगी, मैं आई देखकर आती हूँ। अरे अनिल भावा। हाँ मैं ही है। अरे मेरे को अंदर तो आने दे। हाँ आइए ना। ए, क्या कुछ फंक्शन है क्या घर में? वो डेकोरेशन किया हुआ है? बहु मैं आपको बताने वाली थी, कल सुजाता की शादी है। अच्छा अच्छा है अच्छा है। नहीं यार शादी में तो आएगा मैं कल, उससे पहले मेरे को तेरे से कुछ काम था। हाँ बहु बोलिए ना। बोलता हूँ पहले तेरी आई से तो मिल लूँ, कहाँ है वो? हाँ वो अंदर है, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। आप चलिए अंदर। मौसी को मैं अनिल का म्हणता है, कैसी हैं आप? अनिल लगता है सुजाता आ गई। मैं देखता हूँ मौसी। मेरे बच्चे मौसी, मौसी देखिए क्या हो गया? क्या हुआ? मेरा चश्मा। एक मिनट चश्मा। हमारे नेहा, मेरे बच्चे, नेहा। लगता है चाकू से मारा गया और सिर्फ एक वार किया गया है। बॉडी में और भी कहीं निशान नहीं दिख रहा, लेकिन खून काफी बह गया है। हो सकता है इतना खून बहने की वजह से इसकी मौत हुई है। मौत किस वजह से हुई है तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा शेर की, क्योंकि चाकू के साथ साथ गले पर भी मुझे निशान दिख रहे हैं। बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। ठीक है सर। एक काम करो, घर चेक करा व्यवस्थित, पड़ोसियों से भी बात करो, किसी ने कुछ देखा सुना? तब तक मैं घर वालों से बात करता हूँ। कल सुजाता की शादी होने वाली थी साहब, उसी के लिए पिछले दो दिन से नया यहीं पर थी। मैं भी आज शाम को मेरे बच्चों के साथ यहीं पर आने वाला था साहब। ये मर्डर हुआ तब घर पे कौन था? साहब मैं और अनिल थे। ये कौन? साहब मेरा नाम अनिल है।
ये मेरी मावशी है, मैं इनका दूर का रिश्तेदार हूँ। इनकी तबीयत पूछने के लिए आ गया था। शादी के घर में तबीयत पूछने के लिए आए थे? शादी मालूम नहीं था घर में? नहीं, मेरे को नहीं मालूम था साहब। मैं आज यहाँ आया और मेरे को पता चला इनको कैंसर है मावशी को, तो ऐसी पूछताछ करने आ गया था। साहब ये सही बोल रहा है, जब ये मेरे कमरे में आया तब दरवाजे की घंटी बजी, नेहा ने दरवाजा खोला, हम दोनों को नेहा की चीख सुनाई पड़ी। साहब मैं चश्मे बगैर देख भी नहीं सकती और वॉकर बगैर चल भी नहीं सकती। अनिल ने मेरी मदद की, बाहर आके देखा नेहा यहाँ मरे पड़ी थी। सुजाता वह दरवाजे पे खड़ी थी। साहब जब ये लोग बाहर आए तभी मैं आई थी और ताई वहां पे मरी पड़ी थी। आपने किसको भागते हुए देखा या कोई जो तुम्हें अजीब लगा हो? नहीं साहब, अगर देखती तो बता देती आपको। वो मेरी ऑटो रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए टाइम हो गया, वरना मैं ताई को बचा पाती। आप लोगों को किसी पे शक? कौन मार सकता है साहब? कौन मारेगा, क्यों मारेगा, समझ में नहीं आ रहा साहब। साहब हम बहुत ही गरीब लोग हैं साहब, हमारी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? नेहा, नेहा तो बहुत अच्छी थी साहब, अच्छी बीवी, अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बेटी। घर वालों का कहना था कि नेहा मोरे एकदम सिंपल सीधी साधी औरत थी, उसका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जिसका कोई दिखने वाला दुश्मन नहीं होता, उसके बहुत सारे छिपे हुए दुश्मन होते हैं। शुरू में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हैरान करने वाला सच सामने आया। हाँ रानी बोलो। काम हो चुका है, अब नहीं रही वो, अब आगे कैसा क्या करना है सब तेरे को मालूम है। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक नेहा पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था, और सिर्फ एक वार किया गया। लेकिन सर क्राइम स्पॉट पे हमें ऐसा कोई वेपन नहीं मिला। तो एक वार से मर गई हो? नहीं सर, पीएम रिपोर्ट में मेंशन है कि पहले उसे चाकू मारा गया और उसके बाद उसका गला दबाया गया। सर गला दबाने की वजह से उसकी मौत हुई है। शिरके उसको पहले चाकू से मारा गया, उसके बाद में उसका गला घोटा। लेकिन अगर चाकू से मारा तो गला क्यों घोटा? ये बात तो समझ नहीं आ रही सर। वैसे मैंने नेहा के हस्बैंड यतीन के अलीबाई को चेक किया है और पड़ोसियों से पूछताछ भी की है। सर उनके मुताबिक जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ, यतीन अपने बच्चों के साथ घर पर ही था और उसकी छोटी बहन सुजाता, उसके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन जिस एरिया के सीसीटीवी फुटेज में वो कैप्चर हुई है, जहाँ उसका ऑटो पंचर हुआ था, 10 मिनट बाद उसने दूसरा ऑटो लिया। सर इन दोनों के बयान के हिसाब से ये दोनों सच बोल रहे हैं। फिर कातिल कौन है? एक बात तो साफ है कि वो चोर नहीं था, क्योंकि शादी वाले घर से कोई चीज़ गायब नहीं हुई। सर वाशी से कोई मंगेश कुलकर्णी नहीं आया, वो अपनी बीवी की एनसी मांग रहा है। कौन है उसकी बीवी? नेहा मोरे। सर उसका कहना है कि कल भाईंदर में जो मर्डर हुआ वो उसकी बीवी नेहा कुलकर्णी है। क्या? हाँ सर। साहब 6 महीने पहले हमारी शादी हुई थी, कार्ड पे डेट, उसके आई बाबा का नाम, एड्रेस सब कुछ है, फोटो और मैरिज सर्टिफिकेट भी है। साहब 1 साल पहले जब वो डिटर्जेंट बेचने के लिए आई थी तब हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और 6 महीने पहले ही हमारी शादी हुई। तुम वाशी में रहते हो? जी। तुम्हारी बीवी भाईंदर में क्या कर रही थी? साहब वो अपने आई के पास कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई थी। तुम यतीन मोरे को जानते हो? कौन यतीन मोरे साहब? मैं नहीं जानता। नेहा का पति। क्या तुमको बच्चे हैं? साहब कैसी बात करें आप? साहब 6 महीने पहले हमारी शादी हुई, बच्चे कहाँ से आएंगे? यतीन को बच्चे हैं, वो भी एक नहीं दो, 10 साल की लड़की, 8 साल का लड़का। साहब ये कैसे हो सकता है? साहब नेहा मेरी बीवी थी जिसका मर्डर हुआ है, अभी मुझे कुछ लीगल पेपर्स के लिए एनओसी चाहिए उसके डेथ का, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। मिलेगा, सब मिलेगा, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दो, सब मिलेगा, ये सब मेरे पास रहने दो। और हाँ तुम्हारा एड्रेस फ़ोन नंबर सब देखे जाओ, जब तक केस चल रहा है शहर से बाहर नहीं जाने का। जी।
यतीन से बात करनी है। हाँ आइए। वैसे आप क्या कर रहे हैं यहाँ? वो जीजा जी ताई की अस्थियां लेकर नासिक जा रहे थे, इसलिए मैं बच्चों को लेने आ गई। नमस्ते साहब। इसको जानते हैं? इसका नाम मंगेश कुलकर्णी है। इसका कहना है कि नेहा की इसके साथ शादी हुई थी 6 महीने पहले। मुझे लगा ही था साहब नेहा कुछ गलत काम करती होगी। मतलब? साहब मेरी नौकरी चली गई थी साहब। नेहा सेल्स गर्ल का काम करती थी, हर घर जाकर डिटर्जेंट पाउडर बेचती थी और अच्छा पैसा कमाती थी साहब। इसमें गलत क्या है साहब? डिटर्जेंट पाउडर बेचकर कौन 35-40 हजार कमाता है साहब? साहब मैंने एक दिन मार्केट में एक आदमी को नेहा के ऊपर चिल्लाते हुए देखा था। जब नेहा को जाकर मैंने पूछा वो कौन था तो वो बोली, कौन था वो आदमी? कौन? अच्छा वो, अरे वो मेरी सहेली का पति था गणेश। कौन सी सहेली? प्रियंका है ना। तो क्या है ना कि प्रियंका का उसके साथ जमा नहीं, तो वो उसे छोड़ के चली गई। तो बस उसे लगा कि मुझे मालूम है तो मुझसे पूछ रहा था। मार्केट में पूछ रहा था वो भी इतना चिल्ला चिल्ला कर? अरे वो मेरे पे नहीं चिल्ला रहा था, वो तो प्रियंका पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था किधर गई किधर गई। यही था वो? नहीं ये नहीं था साहब। नेहा गलत काम कर रही है, ये आपको और आपकी माँ को पता था? नहीं साहब, हमको तो लगा ताई पाउडर बेच के पैसे कमा रही है। सिर्फ ये तो पता चला ये नेहा ड्यूअल लाइफ जी रही थी, कोई गलत काम करके पैसा कमा रही थी। लेकिन सर ये नेहा क्या गलत काम करती होगी? वो तो पता करना है। चलो ऐसा करते हैं, थाने जाके कड़क चाय पीते हैं, डबल चीनी, दिमाग की बत्ती जला दे। अरे बीवी है जासूस। उठा लो सर। शिरके क्या जा रहा है ये? सस्पेंड कर दूंगा, निकलो यहां से। हेलो हेलो, कट गया सर। शादी करो पता चल गया। सर सर संजय राउत नाम का आदमी आपसे मिलना चाहता है। क्यों? सर उसका कहना है कि वो भी नेहा का पति है। साहब ये नेहा पालघर में घर घर जाके डिटर्जेंट बेचती थी साहब, मेरे घर पे भी आती थी। उसने बताया उसकी माँ बहुत बीमार रहती है, इसलिए मेरे को उससे बहुत हमदर्दी होगी साहब। फिर साहब उससे प्यार हो गया और हम लोग ने शादी कर ली। फिर मेरे को बोल के गई थी कि उसकी माँ का ख्याल रखने उसके माँ के घर जा रही है। जब तक उससे फ़ोन पर बात हो रही थी तब तो मामला ठीक था साहब, फिर अचानक उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बाद में मैंने पता किया साहब तो पता चला कि उसका मर्डर हो गया साहब। अब मेरे को कुछ लीगल काम है साहब, इसलिए उसके डेथ सर्टिफिकेट के लिए आपसे NOC चाहिए। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन चालू है, बाद में सब कुछ। तुम्हारा फ़ोन नंबर और एड्रेस देके जाओ सब? और केस जब तक चालू है ना शहर से बाहर नहीं जाने का। चिरके या मुझे लगता है जिंदगी में पहली और आखिरी बार मैं चाय पीना भूल गया था, क्योंकि इस केस में एक से एक झटके लग रहे थे। क्योंकि अब संजय के बाद गणेश परब और सचिन पाटिल, इन दो आदमियों का आना और कहना हम नेहा मोरे के पति हैं और हमें उसके मौत की NC चाहिए, चार आदमियों का आना और उनकी डिमांड और सबूत सेम होना, इससे मुझे यकीन हो गया था कि ये केस बहुत बड़े फ्रॉड का केस है। मैंने चारों को एक साथ बुलाया, लेकिन इस बार झटका खाने की बारी हमारी नहीं उनकी थी। चलो साहब ने बुलाया। हाँ चलो। ए पहले साहब ने मेरे को बुलाया और पहले मैं आया। तो अभी मेरे को बुलाया ना तो पहले मेरा मीटर। ए तेरा नाम लिया मैंने, तुम सबको एक साथ बुलाया, चलो। अरे वाह आ गए तुम लोग, कुछ दिखाता हूँ तुमको। तुम चारों ने
नेहा के साथ अलग अलग टाइम पे शादी की थी। अब मुझे एक बात बताओ, नेहा ने तुम चारों के साथ फ्रॉड किया या तुम सबका प्लान था किसी को चूना लगाने का? नहीं साहब, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि राणे ने हम सबको चूना लगाया है। अनिल राणे ना? हाँ, वो इंश्योरेंस एजेंट। हाँ भाई, तुम लोग कैसे जानते हो? वो तो मेरा इंश्योरेंस एजेंट है। वो मेरा भी इंश्योरेंस एजेंट है, फोन नहीं उठा रहा है। अरे मिलेगा तो मैं हड्डी पसली एक कर देगा उसका। जब अब पता चला ना, अनिल राणे वो इंश्योरेंस एजेंट ना, यानी वो नेहा का रिश्तेदार। साहब रिश्तेदार पता नहीं, पर नेहा उसको भाऊ बोलती थी। चुप, सब ने एक जन बोलो, बताओ अनिल कैसा गेम खेल रहा तुम्हारे साथ, बोल। मतलब 7 लाख लगा के 75 लाख मिलेंगे, बेड़ा समझा मेरे को, किधर मिलता है ऐसा? अरे भाऊ आप सुनिए तो, मिलता है भाऊ। अरे मैं दिलवाऊंगा ना आपको। देखो सबसे पहले तो मैं नेहा माने के साथ आपकी एक झूठी शादी करवाएगा, जिसके लिए आप मेरे को 2 लाख रुपए देंगे। इस शादी के लिए एक झूठा सा ही लेकिन एकदम असली देखने वाला मैरिज कार्ड बनवाना पड़ेगा। फिर शादी के जोड़े में ऐसे ही झूठ मूठ का एक अच्छा सा फोटो खिंचवाना पड़ेगा, जिसको दिखा के आप दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा, जो असली से भी असली दिखेगा। और भाऊ उसके बाद ये सारे शादी के डॉक्यूमेंट्स ले जाके मैं अपना इंश्योरेंस एजेंट वाला काम चालू कर देगा। मतलब आपकी झूठी पत्नी नेहा माने के नाम से मैं एक सचमुच का 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के देगा, जिसका 5 लाख का प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। नहीं सुनिए तो, अब नेहा का कैंसर है लास्ट स्टेज पे, वो 2-3 महीनों के बाद मर जाएगी। 3 महीनों के बाद आप उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखा के इंश्योरेंस कंपनी जाओगे, इंश्योरेंस क्लेम करोगे, उसका आपको 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा, जिसमें से 75 लाख आपका, 75 लाख मेरा, बस सिंपल। अच्छा, और हेल्थ सर्टिफिकेट, वो भी तो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा ना। अरे आप उसका टेंशन क्यों लेते हो, वो तो मुझे देना पड़ेगा ना, मैं संभाल लेगा वो। सेम टू सेम साहब, मैं तो अपने हेड सांगित होता है, मुझे भी ऐसा ही बोला था। ए चुप बैठ। अरे तुमको अनिल ने नहीं, तुम्हारे लालच ने बेवकूफ बनाया। अरे थोड़ा तो सोचना चाहिए था, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था। कैंसर के लास्ट स्टेज पे जो पेशेंट है उसको कौन सी कंपनी 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस देगी, सोचा? अनिल को लेकर आओ शिरके। सर मिलेगा कहाँ साहब, वो तो अंडरग्राउंड हो गया है साला। बोला था मेरे को कि मरेगी नहीं तो मरवा देंगे। कब बोला था? यही ये नेहा के मर्डर के 1 हफ्ते पहले। अबे साले इधर जिंदगी हराम हो चुकी है और तू 5 चबा रहा है। क्या हो गया? तू क्या बोला था? हाँ कि 3 महीने में नेहा मरेगी, वो तो मस्त घूम रही है। क्या बात कर रहे हैं आप भाऊ? हाँ कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अभी मार्केट में जाके आया मिलके नेहा को, वो कैंसर की तो क्या बुखार की पेशेंट भी नहीं दिख रही है, और तू बोलता है मरेगी, कैसे मरेगी? वो मर नहीं रही है ना, उसको मरवा देंगे। इसका मतलब उन दोनों ने हमें फंसाया है, नेहा को कोई बीमारी नहीं थी, नहीं बेवकूफ की तरह उसके लिए वैष्णो देवी से प्रसाद लेके आया था जो उसने खाया भी नहीं। कैसी हो नेहा, तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मतलब कैंसर ठीक हो गया? हाँ नहीं नहीं, मतलब कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन अब क्या बोलूँ लोगों को कि मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। अरे हाँ ये लो, वैष्णो देवी से प्रसाद लाया हो तुम्हारे लिए, ले लो, क्या पता दवाई काम नहीं आ रही, दुआ काम आ जाए, ले लो। नहीं नहीं मैं प्रसाद तो मना नहीं करते, ले लो। नहीं नहीं मंगेश, नहीं थोड़ा तो खाओ। नेहा को मारने का मोटिव है इनके पास। शिरके हो सकता है अनिल ने प्रीमियम के पैसे लिए हो और भरे ना, ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस फेक हो। एक काम करो, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दो कि ये चारों इंश्योरेंस फेक है। ठीक है सर। और ये अनिल को ढूंढ के निकालो। ओके सर। हमारे पास नेहा मर्डर केस में 6 सस्पेक्ट है और उनके पास मोटिव भी है, लेकिन इनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सर सर हमने यतीन के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि यतीन बहुत गुस्से वाला आदमी है।
साली दो पैसे क्या कमाने लग गई, जबान लड़ा दिया मेरे से, आप दिखा दिया मेरे को। हाँ, तुम्हें जो समझ रहे समझो, लेकिन पैसे वापस रखो। नहीं मिलेंगे, आई के इलाज के लिए एक रुपया नहीं दूंगा, समझी? बड़ा ज्यादा मचमच की ना तो अभी ठीक कर दूंगा तेरे को। मजोड़ा शिरके, यतीन को लेके आ, अपने तरीके से उससे पूछताछ करते। ठीक है सर, लेकिन यतीन तो नासिक गया है अपनी बीवी की अस्थि विसर्जित करने। एक मिनट सर। हेलो, क्या बॉडी को घुमा सर, ये तो नेहा की बहन सुजाता है। लेकिन ये इतने सुनसान जगह पे क्या कर रही थी शिरके? बैग चेक करो, कुछ मिल रहा है बैग में? आसपास सर्च करो। अरे घाव देखकर तो लग रहा है किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। सर ये फोन मिला है, टूटा हुआ है। देखा, शिरके फोन को जिस तरह से तोड़ा गया है, लगता है इसमें जरूर हमारे काम की कोई चीज होगी। ये फोन सुजाता की माँ को दिखा, अगर वो बोले ये फोन सुजाता का है तो इसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेजो, पूरा डाटा रिकवर करो। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। देखिए हम जानते हैं कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, फिर भी सुजाता के कातिल तक पहुंचने के लिए कुछ बातों का जानना जरूरी है। ये जो फोन है ये सुजाता का फोन था? हाँ साहब, ये फोन सुजाता का ही है। आई तू बड़ा, इस फोन में ऐसा क्या था कि जिसने भी सुजाता का मर्डर किया फोन को इतनी बुरी तरह से तोड़ा, कुछ पता है आपको? सब मैं मेरा फोन भी ठीक से चला नहीं पाती हूँ, तो सुजाता के फोन के बारे में मुझे कब से पता होगा। लेकिन सब ये फोन नया है, कुछ दिन पहले इस सुजाता ने खरीदा था। अंकल, मौसी के फोन में बहुत सारी फोटो थी। आई वो दिन जब अजी ने मौसी के साथ फोटो ली थी वो भी थी उसमें, और जब मौसी हमें लेने आई थी तब मैंने और निखिल ने वो सब फोटो देखी थी। क्या देख रहे हो बेटा? आपकी मौसी के फोन में ऐसा क्या था, मतलब आपकी मौसी ने क्या देखा था फोन में? मालूम नहीं अंकल, उसके बाद मौसी दूसरे कमरे में गई और विपिन अंकल को फोन करके कहा उन्हें उनसे अभी मिलना है, फिर वो बाहर चले गए, फिर वो वापस ही नहीं आई। आपको पता है विपिन कौन है? सब सुजाता की शादी विपिन से होने वाली थी, अजीब जोड़ी होती, दिन भर लड़ते झगड़ते लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। हाँ सर, सुजाता उस दिन मुझे मिलने आई थी। इतने सुनसान जगह मिलने की कोई खास वजह? सर वो जगह मैंने नहीं, सुजाता ने डिसाइड की थी। मैं उसे अपने घर बुलाना चाह रहा था लेकिन वो तैयार नहीं थी, ना ही उसके घर मुझे आने देना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि साहब हम दोनों में झगड़ा हुआ था, हालांकि हम दोनों में अक्सर ही झगड़ा होता था। उसने मुझे घोड़बंदर बुलाया था, दोनों में पहले गर्मा गर्मी हुई लेकिन बाद में हमेशा जैसे सब ठीक हो गया था। फिर वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर चला रही। उसको मैंने फोन किया था लेकिन वो लग ही नहीं रहा था, मुझे लगा गुस्सा हो गई होगी, नाराज़ हो गई होगी, इसलिए फ़ोन बंद कर दिया होगा।
बाद में पता चला कि उसका मर्डर हो गया। अब मेरी सुजाता बहुत प्यारी थी साहब, मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसको उसको किसने मारा, क्यों मारा साहब, क्यों मारा? उसको क्यों मारा वो तो पता नहीं, लेकिन किसने मारा ये जल्दी पता चल जाएगा। शायद तुम भी हो सकते हो, क्योंकि आखिरी बार तुम मिले थे। मैं नहीं साहब, मैंने नहीं मारा सुजाता को, मैंने नहीं मारा। अरे तूने, सब लोग यही कह रहे हैं कि किसी ने किसी को नहीं मारा, लेकिन सुजाता को किसी ने तो मारा। सर सुजाता की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत पेट में चाकू लगने की वजह से हुई है। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात, मौत 22 अगस्त शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुई है। और यतीन के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से उसी दिन उसी दौरान उसका फोन भी उस एरिया में एक्टिव था। और अभी? सर अभी उसके घर पे। उठा के लाओ उसको। और ये सुजाता का मोबाइल डाटा रिकवर हुआ? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन जल्दी रिकवर हो जाएगा। सब ये आप क्या बोल रहे हो साहब, मैं सुजाता को क्यों मारूंगा? क्योंकि तूने नेहा को मारा, और नेहा को मारते वक्त सुजाता ने देखा था, इसलिए तूने सुजाता को मारा। लेकिन साहब जिस दिन सुजाता का खून हुआ मैं तो मुंबई में था ही नहीं। झूठ मत बोल, तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है सुजाता को मारा उस वक्त तू वहां था। और तेरे पड़ोसी ने भी बताया कि तू नेहा को मारपीट करता था। पैसे वापस रखो। नहीं मिलेंगे, आई के इलाज के लिए 1 रुपया नहीं दूंगा, समझी? तेरे को शक था कि नेहा का किधर बाहर अफेयर है? अच्छा वो, अरे वो मेरी सहेली का पति था गणेश, इसलिए तूने उसको मारा। और नेहा को मारते वक्त सुजाता ने देखा, इसलिए तूने सुजाता को भी मारा। सब सब मैं मानता हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था और मैंने नेहा के ऊपर बहुत बार हाथ भी उठाया, उसके ऊपर शक किया, लेकिन मैं उसको बहुत चाहता भी था। उसकी अस्थि विसर्जन करने में नासिक जा रहा था साहब, लेकिन बस को आने में एक और घंटा था, इसलिए मैं बियर पीने चला गया। यकीन करो साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, सच बोल रहा हूँ। जब तक तू बोल रहा है सच है, ये साबित नहीं होता, यही रहेगा। सर सर मैंने यतीन की एलिबाई चेक की है। सुजाता के मर्डर के टाइम पर वो एक बार में बैठा था, बार के एक वेटर ने उसका फोटो देख के आइडेंटिफाई किया है। सर उसका कहना है कि शाम 4 बजे से 7 बजे तक यतीन बार में ही बैठा था। क्या राणे साहब, किधर हो आजकल, दिखते नहीं हो, कुठे है तुम्हें? अरे एक रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई थी, उधर ही है। तबीयत तो तेरी हम खराब करेंगे साहब। साहब कैंसर तो क्या साहब, नेहा को खांसी जुकाम भी नहीं था साहब। मैंने तो बस इन लालची लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक बहाना बना दिया था। तो तुम्हारे ये बहाना चला नहीं, इसलिए तुमने उसको मार दिया हैं? तुमने गणेश के सामने बोला था ना वो मर नहीं रही है ना, उसको मरवा देंगे। नहीं साहब, वो तो मैंने ऐसे ही गणेश से पीछा छुड़ाने के लिए उस टाइम बोल दिया था साहब। अच्छा, अब मेरा प्लान ये था कि मैं उसके जैसे लोगों को पकड़ूं, खूब पैसा कमाऊं और फिर कहीं भाग जाऊं। और उनमें से कोई मेरा पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करने वाला था साहब, वो खुद भी फेक शादी करके फ्रॉड करने वाले थे साहब। तो तुम्हारा इंश्योरेंस प्लान फ्रॉड था? हाँ साहब। मिया को पता था ये? नहीं साहब, उसने कभी पूछा भी नहीं, मैंने उसको सब बताया नहीं था साहब, क्योंकि उसको मुझ पर भरोसा था और उसको पैसे की ज़रूरत भी था जो उसको मिलता था साहब, इसलिए वो मेरे से कुछ ज़्यादा पूछी भी नहीं थी। तुम चुप क्यों रहे थे? साहब गणेश मेरे को मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को धमकी दिया था। देख राने, नहीं हुआ ना, मैं फंसेगा तो छोड़ेगा नहीं तेरे को। वो चारों मेरे पीछे इंश्योरेंस के पैसों के लिए लगे हुए थे साहब, मेरे को परेशान कर रहे थे साहब। तो जब नेहा का मर्डर हुआ तो मैंने इन तीनों से कहा कि जाके इंश्योरेंस क्लेम कर दो, जिसके लिए NOC लगता साहब, और एक लड़की का 4 NOC नहीं मिलता तो ये लोग मेरा नाम बोल देते तीनों, इसके लिए मैं छुप गया था साहब। शेर के इसको लेके जाओ, इसका ऐसा प्रीमियम भरो और इंश्योरेंस का बेनिफिट समझाओ, दिमाग ठिकाने आएगा इसका। सर चल रहे सर, साले सर सर सुजाता के फोन का डाटा रिकवर हो गया है, ये रहा। लगा सिरके, 20 अगस्त के पहले वाला फुटेज दिखाओ। साहब क्यों बार बार मुझे बुला के परेशान कर रहे हो, इससे तो अच्छा होगा कि आप उसका पता लगा लो खूनी का।
बैठो बैठो बैठो। ढूंढ लिया शिरके, किसको ढूंढ लिया दिखा? मैंने तो ये डिलीट, हाँ चल आधा सच उगल दिया, अभी पूरा सच उगल। शिरके कितना घंटा व्यायाम करते हो तुम? 2 घंटा सर। 2 घंटा बहुत मारेगा। बोलो बोला साहब। मैं साहब नेहा को नहीं सुजाता को मारने गया था। शॉपिंग के बाद मुझे मार्केट में मिली थी और उसने ऐसे बात कर दी ना, मेरी हट गई साहब। तेरे को क्या, मेरे को भी नहीं चलेगा कि कोई मेरी आई के बारे में कुछ भी बोले। अरे लेकिन कौन बोला तेरी आई के बारे में कुछ? तेरी आई बोली कि शादी के बाद मैं अपनी पगार मेरी आई को नहीं दे सकती, मुझे पूरी पगार उनके हाथ में देनी होगी। मैं उनको इलाज के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं दे सकती। अब मुझे पता चला कि तू ही नहीं तेरी आई भी झूठी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आई को झूठा बोलने की? क्योंकि वो झूठी है और आज मुझे थप्पड़ मार के तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरे लायक ही नहीं है। अब मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, तू बाहर में जा। मार्केट में उसने मेरी बेइज्जती की थी साहब, तभी मैंने सोच लिया अगर इसने मेरे साथ शादी नहीं की ना तो मैं इसकी शादी किसी और के साथ में होने दूंगा। इसके बाद वो घर चली गई, मैं बाइक से 15 मिनट के बाद उसके घर चला गया। मेरे डोर बेल बजा, मुझे पता था घर पे कोई नहीं है और उसकी माँ तो दरवाजा खोल ही नहीं सकती, लेकिन मुझे पता नहीं था साहब कि नेहा घर पे है। उसने दरवाजा खोला और मैंने चाकू मार दिया साहब। मैंने देखा कि सुजाता नहीं नेहा है, पर डर गया साहब, मैं उधर से भाग गया। मुझे पता ही नहीं था साहब कि वो वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर दिया है। वीडियो का कब पता चला? सुजाता नहीं दिखाया था मुझे। ये क्या है, तुमने मेरी बहन को मारा? देख सुजाता, ये गलती से हुआ था, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से मर गई वो। देख मुझे ये दे दे। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। मैं माफी मांगता हूँ, दे दे मुझे। नहीं दूंगी। सुन मेरी बात, सुजाता। किसी तो पुलिस के पास जाएगा। मुझे ब्लैकमेल कर रही थी साहब, इसलिए मैंने उसको भी मार दिया। पवार यूं जाला लौट। शिरके सर, इसका हिसाब तो हो गया और ये सब बाकी। नेहा की चीख सुन के मौसी चश्मा ढूंढने में लगी हुई थी। मैं भाग के अंदर से बाहर आया, मैंने देखा नेहा को चाकू लगा हुआ है, फिर अंदर देखा तो मौसी अभी भी चश्मा ढूंढ रही थी। मैंने सोचा यही सही चांस है उन चारों से पीछा छोड़ाने का, फिर भाग के अंदर गया, मौसी को चश्मा पहनाया, वॉकर लेके उनको बाहर लेके आया। 15 से 20 सेकंड में सब खत्म हो गया था साहब। हर अपराधी को लगता है कि वो बहुत होशियार है, बहुत चतुर है, हैं? तुम्हें वैसे ही लग रहा था। फ्रॉड के केस में अंदर जाओगे, कुछ दिन के बाद बाहर आ जाओगे, लेकिन अभी लगा है 302। अभी बाहर आने का मत सोचो, अंदर सड़ने का सोचो। नेहा जिसे खुद का सेल्फी तक लेना नहीं आता था, वो अपने मर्डर का वीडियो रिकॉर्ड कर गई थी और उसने उसके और सुजाता के खूनी को सजा दिलवाई, जैसे कि बिपिन और अनिल। कोई भी जुर्म सही नहीं होता, वो कोई ना कोई लूपहोल जरूर छोड़ जाता है। नेहा मजबूरी में गलत काम करके पैसा जरूर कमा रही थी, उसने उसे कुछ देर के लिए बचा लिया था, लेकिन उसके बदले में उसकी जान ली थी। इसलिए कोई भी गलत काम जानबूझ के नहीं करना चाहिए, जैसे कि नेहा कर रही थी। वो गुनाह की पहली दस्तक होती है, कभी भी जुर्म की दस्तक को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।